Hey everyone, I'm live on Facebook and Instagram. I hope I'm audible. थोड़ा सा गला ठीक नहीं है, so kindly bear with me during the live. आज हमारा Q&A session है, so please आप अपने questions related to health पूछ सकते हैं. But सबसे पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, spread the word कि मैं लाइव आ गई हूँ. और जितने भी आपके हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन हैं पूछते रहिए, आई विल बी हैप्पी टू आंसर दैम. हाई पलक जी, हाई निकी जी, हाई प्राची जी. I can't see people on Facebook. Can you see me on Facebook? Instagram पे तो मुझे दिख रहे हैं. If you can hear me, just let me know. Hi Richa ji, you're the first one I can see on Facebook. Kiran ji पूछ रहे हैं कैसी हूँ मैं. I'm recovering. Hi Sudevi ji from Vrindavan. Hi Parveen ji, Richa ji, how are you? She is asking. I'm fine. Hi Poonam ji. Hi Sapna ji. Hi Anjali ji. ब्यूटिफुल रग रहे हो मैम, परवीन जी बोल रहे हैं. थैंक यू सो मच. आपके जो भी हेल्थ रिलेटेड कंसर्न्स हैं प्लीज़ आप अपने क्वेश्चंस पूछते रहिए. और सबसे पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम तक जुड़ सकें. हाउ आर यू? पीपल आर आस्किंग. संजना इज़ आस्किंग हाउ आर यू. आई एम रिकवरिंग. टुडे इज़ डे 7, रिकवरी हो रही है. हाय निश्री जी. इज़ मोरिंगा पाउडर फॉर वेट लॉस? पल्लवी जी, सी मोरिंगा पाउडर ऑटोमेटिकली आपकी इम्यूनिटी बहुत बढ़ाता है. सो इन टर्न इनडायरेक्ट आप कह सकते हो कि वेट लॉस में ऐसी चीज़ें हेल्प करती हैं, बट नॉट डायरेक्टली कि हाँ ये ले लिया. और हर किसी के पास अवेलेबल भी नहीं होता. आप स्पेशली जाओगे खरीदोगे अगेन तो उसकी कोई नीड नहीं रहती. मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बताती नहीं हूँ, बहुत सिंपल चीज़ें बताती हूँ. सो अगर आप लेना चाहते हो, आपके पास एक्सेसिबिलिटी है, बिल्कुल ले सकते हो. जैसे अभी समर्स का टाइम है, वेजिटेबल जूस बना रहे हो, आप उसके अंदर मोरिंगा पाउडर ऐड कर सकते हो. आप कोई सैलड बना रहे हो, उसके अंदर मोरिंगा पाउडर ऐड कर सकते हो. भाविका जी बोल रहे हैं आई एम सो हैप्पी दैट आई एम लाइव. थैंक यू सो मच भाविका जी, आपके लिए ही मैं लाइव आई हूँ. आप लोगों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है. योर मेकअप इज सो ब्यूटिफुल. थैंक यू सो मच. क्या है आपका क्वेश्चन? नाम के जी पूछिए. मेरा वेट भी धीरे धीरे कम हो रहा है, किरण जी बोल रही. थैंक यू सो मच, अमेजिंग. अपना आप इस तरह से फीडबैक देते हो, बहुत मोटिवेशन मिलता है मुझे. यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, संजना जी बोल रही. थैंक यू सो मच. आई एम अल्कोहलिक, क्या आई रिड्यूस माई वेट? सी, अल्कोहल कंजम्पशन आपको कम करना होगा, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बाकी वेट लॉस तो डेफिनेटली आप कर सकते हो. अगर आप लेट्स से डेली ले रहे हो तो उसको आप ये इंश्योर करिए आप ट्वाइस थ्राइस अ वीक अल्कोहल कंज्यूम करने लगे. धीरे धीरे आप उसकी फ्रीक्वेंसी कम करते रहें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. चहक पूछ रही है हाउ आर यू? आई एम फाइन, आई एम रिकवरिंग डियर. भाविका जी बोल रहे PCOD की प्रॉब्लम है तो कैसे वेट लॉस करें? PCOD के अकॉर्डिंग ही डाइट प्लान आपको सजेस्ट किया जाता है भाविका जी. आप पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं, मैं यहाँ पर अपना नंबर पिन कर देती हूँ और उसके अकॉर्डिंग ही डाइट सजेस्ट किया जाता है. आपको अपनी रिपोर्ट सेंड करनी होती है, उसके अकॉर्डिंग हम आपको सजेस्ट करते हैं. प्लीज़ वन मोर रिमाइंडर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके और ये सेशन मीनिंगफुल हो सके. इसीलिए मैं लाइव आई हूँ ताकि गेट वेल सून. समन इज सेइंग थैंक यू सो मच, आपकी आईज़ बहुत प्यारी हैं. सिमरन जी बोल रहे थैंक यू सो मच डियर. हाय चारू जी, आई एम फाइन चारू जी, आप कैसे हैं बताइए. रिंकू जी बोल रहे हैं वेट कम करना है, उसी के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं हम. बेली फैट कम करना है, अंजलि जी बोल रहे हैं. सी, उसके लिए दो चीज़ें ध्यान रखनी है आपको. डाइट रूटीन एक तो आपको ध्यान में रखना है कि आपका अच्छा डाइट रूटीन हो, आप बैलेंस न्यूट्रिशियस चीज़ें खा रहे हैं, प्रोसेस्ड पैकेज फूड अवॉइड कर रहे हैं. और सेकेंडली एक्सरसाइज रूटीन, एक्सरसाइज रूटीन अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है. कविता जी बोल रही हैं वेट लॉस करने के लिए क्या ना खाएं? प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, वो कविता जी बिल्कुल ना खाएं. जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, घर का फ्रेश बना हुआ खाना खाएं, डेफिनेटली आप वेट लॉस कर सकते हैं. तृष्णा जी बोल रही हैं एंजॉइंग अ डाइट प्लान, शी इज़ वन ऑफ माई क्लाइंट्स. थैंक यू तृष्णा जी फॉर लेटिंग मी नो. आप लोग इंजॉय करते हो, आपको मज़ा आता है, आपकी वॉइस अच्छी है. समवन इज सेइंग अभी तो मेरा गला पूरा ठीक नहीं है, स्टिल यू पीपल आर सो लवली. और अगर आप बोल रहे हो कि मेरी वॉइस अच्छी लग रही है आपको, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू. इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. अगर आप बहुत एक्सट्रीम इंटरमिटेंट फास्टिंग की विंडोज पिक नहीं कर रहे हो, विच मीन्स आप 16 hours, 18 hours फास्टिंग कर रहे हो, अगर वो नहीं कर रहे हो, 12 to 14 hours कर रहे हो, तो दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. और वो मैं रिकमेंड करती भी हूँ, वो आप डेफिनेटली कर सकते हो. अगर आप इंडियन पैटर्न ऑफ डाइट देखें ना, तो अगर आप 8:30 तक डिनर कर लेते हो, सुबह मॉर्निंग में इतने बजे स्टार्ट करते हो, आपका 12 घंटे का फास्टिंग विंडो तो ऐसे ही हो जाता है.
हाउ यू फीलिंग नाउ, शिवानी जी बोल रही हैं, बेटर स्टिल रिकवरिंग, आई वुड से, आई वोंट से कि कंप्लीटली फाइन, बट स्टिल एवरी सिंगल डे बेटर हो रही हूँ, लुकिंग सो क्यूट, रिफत जी बोल रहे हैं, थैंक यू सो मच, इंजॉइंग योर डाइट प्लान, मनिंदर सिंह जी बोल रहे हैं, थैंक यू सो मच, इन्होंने भी रिसेंटली ज्वाइन किया है, आई एम ग्लैड कि आप लोगों को मज़ा आ रहा है. कृष्णा जी बोल रहे हैं, नेवर फील ऑन डाइट एंड सो मेनी वराइटी एंड ऑप्शन यू गिव, नेवर फील क्रेविंग फॉर एनी चार्ट ऑल्सो, दैट्स द ब्यूटी ऑफ अ गुड डाइट प्लान. डाइट प्लान में ही आपको सब कुछ मिल रहा है, आपको वो रिस्ट्रिक्टिव डाइट्स नहीं मिल रही हैं, तो आपको मन करता है कि इसमें मज़ा आ रहा है मुझे, आपको यू लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट डे कि अभी क्या है, अगले हफ्ते मेन्यू में क्या है, आप वो जंक फूड की क्रेविंग नहीं होती है, दैट्स द ब्यूटी ऑफ अ गुड डाइट. वन मंथ चार्ज क्या है आपका, कविता जी बोल रहे हैं 2000 मेरे मंथली चार्जेस स्टार्ट हैं, बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे डाइट प्लान अवेल करते हैं जो 3 फॉलोअर्स ऑफ द मंथ रहे हैं अभी अप्रैल मंथ के लिए भी. उसके लिए क्या क्राइटेरिया रहता है, अगर जो लोग नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, आपको मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होता है, कमेंट करना होता है, लाइक करना होता है, हर महीने में 3 फॉलोअर्स ऑफ द मंथ निकालती हूँ, तो आप भी बन सकते हो गाइस, यही क्राइटेरिया रहता है, इसीलिए मैं आपको याद दिला रही हूँ फिर से, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहियो. अभी मेरा गला उतना साथ नहीं दे रहा, स्टिल आई एम कमिंग लाइव, ट्यूजडे को भी मैं आई थी ताकि आप लोगों के साथ बात कर सकूं, आप लोगों को मोटिवेट कर सकूं, इंस्पायर कर सकूं, और आप अगर वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे दैट मीन्स द वर्ल्ड टू मी, सो आई होप यू विल डू दैट मच फॉर मी, ताकि और ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए, ये जो मैं एफर्ट कर रही हूँ वो मीनिंगफुल हो पाए, और जिन लोगों की जरूरत जो को ज़रूरत है उन लोगों तक ये कंटेंट पहुँच पाए. शिवाली जी बोल रही है, लॉट्स ऑफ कॉन्स्टिपेशन, वॉट आई डू सी, कॉन्स्टिपेशन में पहले आपको ये देखना है कि एक्यूट है या अभी आपका रिसेंट ही कॉन्स्टिपेशन का वो, तो आप बहुत इजीली डाइट से फिक्स कर सकते हो. अगर क्रॉनिक है, एक्यूट है, तो आपको कई बार मेडिकेशन की भी जरूरत होती है. नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन है, कुछ टाइम से है, डेफिनेटली आप अपने डाइट में पानी ज़्यादा बढ़ाएं, गर्मियों का टाइम है, फाइबर बढ़ाएं, सैलड खाएं, फ्रूट खाएं, कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा. ईश वालिया जी बोल रहे हैं, बेस्ट डाइटिशियन, थैंक यू सो मच डियर. समिता जी बोल रही हैं, हाय हाय जस्टिना जी, हाउ आर यू ऑल. 1 महीने में कितना वेट हो कम हो सकता है, कोई बोल रहा है 75 kg वेट है, 3 to 4 kg एवरेज वेट लॉस रहता है फॉर 1 मंथ. ईटिंग स्वीट्स इज फाइन आफ्टर फिनिशिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग, नहीं आपने फास्टिंग विंडो जब खत्म कर दिया है, अब आपका ईटिंग विंडो स्टार्ट हो रहा है, सो आपको कुछ अल्कलाइन लेना चाहिए, जैसे कि आप नट्स ले रहे हो, फ्रूट ले रहे हो, फिर नॉर्मल ब्रेकफास्ट भी खा रहे हो, बट मीठे से शुरुआत मत करो, दैट विल डिफीट द पर्पज. श्रद्धा जी पूछ रहे हैं, मुझे एक क्वेश्चन है, इंटरमीडिएट फास्टिंग में फास्टिंग आर में कुछ टेस्ट मींस बस नमक चेक स्पिट करो तो फास्ट टूट जाएगा क्या, अगर आपने नमक खा लिया, सॉल्टी खा लिया, तो आपकी फास्टिंग विंडो फिनिश होगी. जी हाँ बिल्कुल, आप नींबू पानी ले सकते हो, आप नारियल पानी ले सकते हो, पानी ले सकते हो, लेकिन आप सॉल्ट नहीं ले सकते हो. PCOD में रिड्यूस कैसे करें, सोनम जी PCOD के ऊपर मैंने डिटेल में लाइव भी किया हुआ है इस लाइव के बाद, प्लीज आप जाकर मेरा वो वाला लाइव देख लीजिए, दैट विल बी रियली बेनिफिशियल. मैं रात को रोटी खाती हूँ, समिता जी बोल रहे, बहुत अच्छी बात है, खानी चाहिए, मेरे क्लाइंट्स रोज खाते हैं. जो यहाँ 3 रोटी खाते हो समिता जी, 3 लिख रहे हो, अगर 3 लिख रहे हो तो वो बहुत ज्यादा खा रहे हो. निशा जी बोल रही है, हाउ आर यू, आई एम फाइन डियर, रिकवरिंग, आपकी प्रेयर्स चाहिए, आपकी गुड विशेस चाहिए, मैं बहुत सारी स्टोरीज भी जितना हो पा रहा शेयर कर रही हूँ, आप लोग इतना प्यार दे रहे हो, इतनी सारी गुड विशेस दे रहे हो, तो वही चाहिए अभी इस टाइम पर, आप लोगों की प्रेयर्स हैं, तो डेफिनेटली एवरी सिंगल डे आई एम रिकवरिंग, एंड द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि मी, माई हस्बैंड, माई चाइल्ड, एवरी वन गॉट कोविड पॉजिटिव, तो अगेन सबको ही, माई एंड माई हाउस हेल्प ऑल्सो, तो सारे ही हो गए, सबको कोविड पॉजिटिव हो गया, तो कौन किसका ध्यान रखे, सो बट वन लास्ट वीक वॉज कम्प्लीटली हैपजर्ड. नविता जी बोल रहे हैं, बेस्ट डाइट एवर, थैंक यू सो मच डियर. कैन वी हैव फ्रूट्स इन इवनिंग मैम, प्लीज़ रिप्लाई मैम. पूनम जी आप 4 बजे से पहले पहले तक ले लो शाम को, बहुत लेट इवनिंग फ्रूट्स अवॉइड करिए, क्योंकि उसके अंदर भी फ्रक्टोज होता है, तो वो आप देखोगे कि आपके ब्लड शुगर लेवल स्पाइक करता है, तो बहुत लेट इवनिंग अवॉइड करिए, 3-4 बजे तक आप फ्रूट ले लो, दैट्स एब्सोल्युटली ओके. गुड आफ्टरनून संजुक्ता जी बोल रही हैं, गुड आफ्टरनून डियर. सुपर फूड्स फॉर प्रेगनेंसी मनप्रीत, अमेजिंग क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, इसके ऊपर मैंने डिटेल में एक वीडियो भी बनाया हुआ है, बट स्टिल फिर से हम बात करते हैं, लाइव मैंने बनाया था. प्रेगनेंसी के दौरान कई बार ना हम सोचते हैं कि कुछ हमें कुछ एग्जॉटिक चीज़ें खानी पड़ेंगी, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ चीज़ें अवॉइड करनी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ध्यान रखें, कि जो अजीनोमोटो है, राइट, MSG है, इस तरह की चीज़ें आपको कम्प्लीटली अवॉइड करनी है. बहुत ज़्यादा ग्रीन टी आपको अवॉइड करना चाहिए, इनफैक्ट चाय और कॉफ़ी भी बहुत ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए. अल्कोहल अगर आप पीते हो या अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो, वो आपको
रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए कंप्लीटली। बाकी खाने में अगर मैं बात करूँ, सुपर फूड्स की अगर बात करूँ, नॉर्मल घर का बना हुआ आप सभी कुछ खा सकते हो, बट जस्ट इंश्योर, एक कन्फ्यूजन रहती है कई बार, मुझे क्लाइंट्स भी ज्वाइन करते हैं ना, समवन इज सेइंग आई फॉलो योर डाइट प्लान्स, नहीं आई सेइंग रेसिपीज आर सो इंटरेस्टिंग, थैंक यू सो मच डियर। तो आप वो ध्यान में रखिए कि आप जब खा रहे हो तो दो जनों के हिसाब से नहीं खाना, यू डोंट हैव टू ईट फॉर टू पीपल, राइट। फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक तो सेम ही आपकी कैलोरीज रहती हैं, उसके बाद आपकी कैलोरीज सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में बढ़ाई जाती हैं, बट यू हैव टू बी वेरी वाइज, टेक चार्ज ऑफ योर क्रेविंग्स। कई बार इट इज़ ऑल इन द माइंड कि अरे मुझे क्रेविंग हो रही है, क्रेविंग हो रही है, हम वो केक्स खा रहे होते हैं, रात को भी खा रहे होते हैं, गड़बड़ चिप्स खा रहे होते हैं, बाहर जाके चाट्स खा रहे होते हैं, वो सब अवॉइड करिए। घर पे जो खा रहे हो दैट इज़ ऑल अंडर द कैटेगरी ऑफ सुपर फूड। याद रखिए रॉ मील्स अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करिए, आपका गट बैक्टीरिया इंक्लूड अच्छा हो, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया अच्छा हो, राइट। कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है, कर्ड है, बटर मिल्क है, छाछ है, अभी गर्मियों में ज़रूर लीजिए। आई नो बहुत प्यास लगती है, गर्मी भी लगती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बट अवॉइड दोज कोल्ड ड्रिंक्स, जूसेस। कल मैंने वाटरमेलन स्लश की रेसिपी आपके साथ शेयर करी थी, मुझे बताइए कितने लोगों ने वो रेसिपी देखी। इस तरह की यमी इंटरेस्टिंग रेसिपीज घर पर बनाइए, 5 मिनट भी नहीं लगते, बहुत ईजी ब्रीजी रेसिपी है, बट जब वो समर्स में, वेदर यू आर प्रेगनेंट और अदरवाइज, बहुत प्यास लगती है तो मन करता है ठंडी ठंडी वो कोल्ड ड्रिंक पी लो, वो सब अवॉइड करना है, वो आपने बनाना है। मुझे बताइए कितने लोगों ने रेसिपी देखी और कितने लोगों को अच्छी लगी, मुझे बताइए। ज़रूर ट्राई करना वाटरमेलन स्लैश, बहुत टाइम नहीं लगता, बहुत ही झटपट बन जाती है, बट ट्रस्ट मी इट्स वेरी एनर्जाइजिंग, इट्स वेरी रिफ्रेशिंग एंड वर्थ द एफर्ट। लंच और डिनर दोनों टाइम राइस खा सकते हैं क्या? देवस मेहता जी बोल रहे हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। मेरे जो क्लाइंट्स हैं सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया को बिलोंग करते हैं, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया को बिलोंग करते हैं, जो भी बेसिकली राइस ईटर्स हैं, स्टेपल फूड है उनका, उनको मैं राइस लंच और डिनर दोनों टाइम देती हूँ। अगर मेरे क्लाइंट्स कोई यहाँ पर हैं जो राइस खाते हैं ड्यूरिंग माई डाइट प्लान, प्लीज़ आप बताइए सबको वो इन्फॉर्मेशन पता चलती है। डॉक्टर मनप्रीत कौर जी बोल रहे हैं, थैंक यू मैम, लवली लिसनिंग टू यू, थैंक यू सो मच डियर, थैंक्स फॉर योर लव। दो मेरी आवाज़ बहुत अच्छी नहीं आ रही है, थोड़ा सा थ्रोट ठीक नहीं है, स्टिल आई थॉट कि आप लोग इतना प्यार करते हो, मैंने स्टोरी भी डाली, पूछा बहुत लोगों ने डाला कि आप लाइव आओ अगर आ सकते हो, अगर है चाहिए सो प्लीज़ लाइव मत आना। सो थैंक्स फॉर योर लव, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, आप लोग इतना पैम्पर करते हो, इतना प्यार करते हो कि वही मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, राइट। सो वही मैं चाहती हूँ, आप हमेशा प्यार बनाए रखें, इसी तरह से सपोर्ट करते रहें, एंड डेफिनेटली गॉड विल गिव मी दैट मच करेज कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। नरेंद्र जी बोल रहे हैं 120 वेट कैसे लूज करूँ। नरेंद्र जी आप डाइट प्लान ज्वाइन कर सकते हैं और आप डेफिनेटली लूज कर सकते हो, मेरे नंबर नीचे पिन्ड है। हाउ मच आर वॉक आर ऑफ वॉकिंग रिक्वायर्ड फॉर डे ड्यूरिंग डाइटिंग? 1 घंटा आप वॉक कर लो दैट इज सफिशियंट, बट जो मैजिक करता है वो है मेन है डाइट प्लान। एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट, आई विल नॉट डिनाई दैट, लेकिन उसके साथ आपका प्रॉपर डाइट रूटीन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें अगर आपका 120 किलो वेट है, आराम से एवरी मंथ आप 4 to 5 kg रिड्यूस कर सकते हो, और बहुत जल्दी आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए कि आप 2 डिजिट में आ जाए, राइट। बिकॉज 120 आप ओबीएस कैटेगरी में है तो बिलो 100 आना आपका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टारगेट होना चाहिए। मॉर्निंग ड्रिंक फॉर वेट लॉस, अपेक्षा जी बोल रहे हैं। सी मॉर्निंग ड्रिंक बेसिकली आपकी एक दिन को सही शुरुआत देने के लिए होता है, ऐसी कोई ड्रिंक नहीं होती जिससे मैं कहूँ कि आपने सिर्फ वो ले लिया और वेट लॉस हो जाएगा। थ्रू आउट द डे आप क्या कर रहे हो, इट्स अ होलिस्टिक अप्रोच, उस पर वेट लॉस डिफाइन होता है। बट दिन की हम अगर कहें शुरुआत ठीक करने के लिए कि हम राइट ट्रैक पे चले जाएँ, वेट लॉस करना चाहते हैं उस ट्रैक पे चले जाएँ, उसके लिए क्या हो सकती है, तो बहुत सारी ड्रिंक्स हैं। नॉर्मल पानी भी आप ले सकते हो, नींबू पानी ले सकते हो, सिनेमन वाटर ले सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो जो आपको सूट करता है, जो आप इजीली बना सकते हो। नहीं तो सिर्फ प्लेन वाटर भी ले रहे हो आप, 2 से 3 ग्लास सुबह उठ के मॉर्निंग में ले रहे हो, इवन दैट डिटॉक्सिफाइज योर बॉडी, बिकॉज इतने घंटे की हमारी फास्टिंग होती है। इफ़ यू आर फॉलोइंग अ हेल्दी लाइफ स्टाइल तो आपने कुछ खाया नहीं होता, कुछ पिया नहीं होता, सो आपकी बॉडी को एल्कलाइन एनवायरमेंट देने के लिए वो पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत बेनिफिशियल होता है। सो इवन इफ यू आर डूइंग नॉट मच एन एफर्ट एंड जस्ट हैविंग वाटर, इवन दैट इज गोइंग टू डू वंडर्स फॉर यू। पैक जूसेस सही है या नहीं? सत्यजीत जी बिल्कुल भी नहीं, पैक जूसेस बिल्कुल नहीं। वंस इन अ वाइल आपको घर पे जूस बनाना है, आप घर पे ही बनाकर ले रहे हो, जैसे मैंने वाटरमेलन स्लश की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करी, दैट्स अमेजिंग, दैट हैज अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स। लेकिन टेट्रा पैक वाले जूसेस इज नथिंग बट प्रोसेस्ड फूड, उसकी आप शेल्फ लाइफ देखिए, 9-9 महीने वो चलते हैं,
तो ऑटोमेटिकली घर पे आप जूस बनाओगे 9 दिन भी नहीं चलेगा फ्रिज में। आई राइट और रॉन्ग? राइट, तो उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स हैं और उस तरह की चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। उस प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं लेकिन हमारी शेल्फ लाइफ कम करते हैं। सो से नो टू प्रोसेस्ड फूड, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, तो पैकेज जूसेस अ बिग नो। पेट का फैट अंदर जाना तो जाने के लिए क्या करें? उसके लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि आप अपनी गट हेल्थ इम्प्रूव करें। अंदर से गट हेल्थ आपकी अच्छी होगी तो बाहर से वो स्लिम फैट में आपको फ्लैट बेली मिलेगी, लेकिन अगर अंदर से गट हेल्थ ठीक नहीं है तो आपको ब्लोटेड टमी दिखेगी। सुबह मॉर्निंग में उठकर भी लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे होते हैं फिर भी ब्लोटिंग फील हो रहा होता है, फिर भी लग रहा होता है कि जैसे कि सुबह कॉन्स्टिपेटेड हो, अच्छे से मोशन नहीं क्लियर हो रहा। समवन इज सेइंग होप टू गेट यू यू रिकवर सून। थैंक यू सो मच डियर, आप लोगों के गुड विशेस चाहिए। मोनिका जी बोल रहे हैं, मैम प्लीज टेल, अगर वेट रुक जाए तो क्या करें जो लॉस होना स्टार्ट होगा? मोनिका जी, मैंने इसके ऊपर डिटेल में लाइव बनाया था, प्लीज़ आप वो देखिए, जिस आधे घंटे का लाइव था इसमें मैंने बात करी थी कि अगर आपका स्टक वेट हो गया है, स्टबोर्न फैट हो गया है, तो उसके लिए क्या करें, वेट लॉस नहीं हो रहा। रूही जी का भी सिमिलर क्वेश्चन है, तो प्लीज़ वो जाकर लाइव देखिए, दैट विल बी रियली बेनिफिशियल। पर्सनली डाइट प्लान चाहिए तो मैंने नंबर पिन किया हुआ है नीचे, 8800772120। सपना जी, साक्षी जी पूछ रही है, हर्बल लाइफ गुड फॉर हेल्थ? नो, कोई भी इस तरह के आप शेक्स ले लेते हो, जूसेस ले लेते हो, पिल्स ले लेते हो और सोचते हो इससे वेट लॉस होगा, दैट इज जस्ट अ क्विक फिक्स, बट वेट लॉस के लिए आपके ठीक नहीं है। सो गाइस, आपको हार्डवर्क वाला रूट अपनाना पड़ेगा, जो कि है आप हेल्दी डाइट फॉलो कर रहे हो। ये चीज़ें बहुत ल्योरिंग लगती हैं कि जस्ट आपने स्पेंड किया पैसा और आपको एक दो बार शेक पीना है, एक ही बार सिर्फ नॉर्मल खाना खाना है, बनाना भी नहीं, कुछ नहीं करना, और आपको लगता है कि इजी ब्रीजी है। पिंकी जी बोल रहे हैं, डियर यू आर सो स्वीट, थैंक यू सो मच पिंकी जी। तो आप बट इस तरफ शॉर्टकट की तरफ मत जाए, दैट इज़ वेरी अट्रैक्टिव, वेरी ल्योरिंग, बट दे डोंट लास्ट। जैसे ही आप नॉर्मल खाने पर आओगे, बहुत लोग बताते हैं, आपको पता चल जाएगा, जो भी हर्बल लाइफ ले चुके हैं वापस से वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। सो इफ यू वॉन्ट अ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सोल्यूशन, तो उसके लिए आप प्लीज़ हेल्दी डाइट पर आइए, वेट लॉस प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं मेरा, एंड डेफिनेटली। मोनिका जी बोले, प्लीज टेल कौन से, आपको इस टॉपिक पर मिल जाएगा लाइव। मोनिका जी, स्टक वेट का आप ढूंढोगे ना मेरे नाम से, आपको मिल जाएगा, 1-2 मंथ्स बैक की होगा। बहुत सारे लाइव करती रहती हूँ इस तरह से, तो मुझे अभी याद नहीं है, बट आप या तो मुझे मैसेंजर में पिन कर देना, मैं आपको डाल दूंगी उसका लिंक। नेहा जी बोल रही है, माइग्रेन और हाई बीपी है और 90 kg वेट है, कैसे कम करूँ? नेहा जी, उसके अकॉर्डिंग आपका डाइट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बीपी हाई है और अगर आपको माइग्रेन भी है तो रेगुलरली मील्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फ्रीक्वेंटली मील्स ले रहे हो ताकि आपका मेटाबॉलिज्म भी इंप्रूव हो, आपको बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक ट्रबल्स ना हो, एसिडिटी ना हो, उसके अकॉर्डिंग डाइट होना चाहिए, एंड डेफिनेटली रिड्यूस आप कर सकते हैं। फेस ग्रोइंग के डाइट में कुछ बताओ भूमि जी, फेस के ऊपर स्किन के, मेरा बहुत टाइम से ड्यू है एक लाइव बनाना, बिल्कुल लेट मी रिकवर रियल सून, और उसके बाद मैं उसके ऊपर भी बनाऊंगी। बट अगर मैं खाने में बात करूँ तो मैंने इसके ऊपर भी एक लाइव बनाया हुआ है, सुपर फूड्स कौन से आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। बेसिकली जो भी लोकल चीज़ें हैं, जो भी सीजनल चीज़ें हैं, वो आप अपने डाइट में इंक्लूड करिए, चाहे वो फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, एंड दैट इज़ गोइंग टू डू द मैजिक। कुछ भी आपको आउट ऑफ द बॉक्स नहीं लेना होता है, मैं तो एटलीस्ट कभी रिकमेंड नहीं करती हूँ, ना मैं खुद खाती हूँ कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें, ना मैं क्लाइंट्स को रिकमेंड करती हूँ। जितना जो इजीली आपके पास वाले दुकान पे भी, एक डिपार्टमेंटल स्टोर पे जो चीज़ें मिल जाएंगी, एक नॉर्मल फ्रूट वेंडर पे मिल जाएगा, वेजिटेबल वेंडर पे मिल जाएगा, वही चीज़ें आपको खानी है, एंड दैट इज़ गोइंग टू डू द मैजिक। जितना हो सकता है जंक फूड अवॉइड करिए, शुगर अवॉइड करिए, बिकॉज प्रोसेस शुगर आप लेते हो तो ग्लाइकेशन इफेक्ट की वजह से आपकी स्किन एजिंग बहुत जल्दी होती है। तो एंटी एजिंग के लिए हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेते हैं। यू आर लुकिंग ब्यूटिफुल, समवन इज सेइंग थैंक यू सो मच डियर, वो लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ा एंटी एजिंग आप चीज़ चाहते हो तो जस्ट इंश्योर जंक फूड अपनी डाइट से हटा दो, ट्रांस फैट्स जिस प्रोडक्ट्स में हैं वो हटा दो, रिफाइंड शुगर हटा दो, और ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आपकी स्किन अच्छी अपने आप होने लग जाएगी। अगर विटामिन डी कम हो तो क्या वेट लॉस नहीं होता? ज्योति जी बिल्कुल, उसके लिए विटामिन D3 आपको अपना लेवल्स रिप्लेनिश करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तभी आपका वेट भी मूव करता है, प्लस आपका कैल्शियम लॉस भी होने लगता है। सो जस्ट इंश्योर कि आप अपना विटामिन डी लेवल्स रिप्लेनिश करें। ज़्यादा कम है, अगर बिलो 10 है, तो उसके लिए सप्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है।
रितिका जी बोल रही हैं गेट वेल सून मैडम, प्रेइंग फॉर योर स्पीडी रिकवरी। थैंक यू सो मच रितिका जी, लुकिंग नाइस अमन इज सेइंग, थैंक यू सो मच, लुकिंग गुड अमनप्रीत जी इज सेइंग, थैंक यू सो मच रितिका जी। आप लोगों की ही प्रेयर्स चाहिए, गुड विशेस चाहिए, जिसकी वजह से जल्दी रिकवरी होगी, हम सब जल्दी रिकवर कर जाएं एंड वी कैन रिज्यूम आर नॉर्मल लाइफ। दिस पास्ट वन वीक हैज़ बीन रियली रियली डिफिकल्ट फॉर मी एंड माई फैमिली, बट काम मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ा। आप लोगों की प्रेयर्स थी, आप लोगों की गुड विशेस थी, जितना हो सका मेरे क्लाइंट सफ़र ना करें, यही मेरी और मेरी टीम की कोशिश थी। शालिनी जी बोल रहे हैं यू आर द बेस्ट डाइटिशियन एवर, थैंक यू सो मच डियर हेल्प। आपकी आंखें बहुत खूबसूरत लग रही हैं, मुरीन जी बोल रहे हैं, थैंक यू सो मच डियर। एकता जी बोल रही हैं गेट वेल सून मैम, यू आर द बेस्ट डाइटिशियन। यही तो प्यार के लिए मैं तरसती हूँ ना, आई क्रेव फॉर दिस लव। अगर मैं सोचूँ ना कि मैं लाइव नहीं आऊँ, नहीं रहने दूँ, पता नहीं थ्रोट कुछ भी साथ देगा नहीं देगा। आप लोग इतना प्यार देते हो, इतना कि अपने आप से लगता है कि नहीं नहीं मन करेगा, बिकॉज इसी प्यार की वजह से ही तो मैं काम कर पाती हूँ। लगता है कि यस समवन इज़ वेटिंग फॉर मी, योर डाइट प्लान इज़ वेरी इफेक्टिव, समवन इज़ सेइंग, थैंक यू सो मच डियर। तो इसी तरह से ही आप प्यार बनाए रखें, आपकी गुड विशेज रहें, आपको मैं हेल्थ एडवाइस देती रहूं और आपकी हेल्थ इंप्रूव होती रहे, इन टर्न डेफिनेटली मेरी हेल्थ भी इंप्रूव अपने आप ही हो जाएगी। तपस जी बोल रहे हैं लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल मैम, थैंक यू सो मच डियर। हेयर ग्रोथ के लिए चंदवानी जी बोल रहे हैं, हेयर ग्रोथ के ऊपर मैंने एक लाइव वीडियो किया था जिसमें डिटेल में बात करी थी। बिंदिया जी इज़ वन ऑफ माई क्लाइंट, शी सेइंग लव्ड योर डाइट प्लान टुडे, आई हैड फ्राइड राइस, लव्ड इट। थैंक यू सो मच बिंदिया जी फॉर शेयरिंग योर फीडबैक। सी आप फ्राइड राइस जैसी चीज़ें खाते हो डाइट प्लान में, वॉट एल्स डू यू वॉन्ट, राइट? तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हेल्थ अगर इम्प्रूव करना चाहते हो, टेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें ऑलवेज से। तो अगर फ्राइड राइस खाते खाते आप वेट लॉस कर सकते हो, तो आप सब कुछ कर सकते हो, राइट? थैंक यू सो मच बिंदिया जी वंस अगेन। मेरे क्लाइंट्स आके ये फीडबैक शेयर करते हैं, आप लोगों को भी मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, मीन्स अ लॉट टू मी, थैंक यू सो मच। इसी तरह से आप लोगों की हेल्थ इंप्रूव होती रहे। इंटरमिटेंट फास्टिंग को पूछ रहा हेल्प करता है, इसको मैंने अभी अभी आंसर किया था डियर। आप एक्सट्रीम विंडोज ना फॉलो करें, आप 12 to 14 आवर्स की विंडो फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल वर्क करता है। संजुक्ता जी आप प्लीज़ अपना क्वेश्चन दोबारा पूछ सकते हैं। समवन इज आस्किंग डाइट फॉर डार्क सर्कल्स, सी हेल्दी डाइट होना इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं कुछ टिप्स की बात कर दूँ, घरेलू नुस्खों की बात करूँ, तो आप ग्रीन टी होता है ना, ग्रीन टी को आपने अपना फ्रीजर में आइस क्यूब्स में उसमें जमा लिया, और उसके बाद उसको एज आइस पैक आप उसको यूज़ करें। अपने यहाँ पे अगर बैगी आइज हो रही है ना, आपकी पफ़ी आइज हो रही है, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। प्लस सेकेंडली कॉफ़ी, कॉफ़ी बहुत अच्छा हेल्प करता है। जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो यहाँ पर आप कॉफ़ी और वाटर का एक कंकॉक्शन बना के मिक्स करके अप्लाई कर सकते हो अपने अंडर आइज के ऊपर, और उसको बाद उसको नॉर्मल नॉर्मल पानी से उसको रिंस कर सकते हो आफ्टर लाइक 15-20 मिनट्स। ये चीज़ें वर्क करती हैं, बट उसके साथ प्रॉपर स्लीप साइकिल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम सो रहे हैं 2-3 बजे, तो आप ये सब कुछ भी टिप्स एंड ट्रिक्स कर लो, फिर भी वर्क नहीं करते हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना स्लीप साइकिल रेगुलर मेंटेन करें। अगर बहुत ज़्यादा गैजेट्स देखते हैं, तो वो एक स्क्रीन टाइम लिमिट ज़रूर करें। आजकल हम सारा टाइम फ़ोन पर रहते हैं, ये भी बहुत बड़ा रीज़न है डार्क सर्कल्स होने का। ये जब सब चीज़ें करें मोनिका जी, डेफिनेटली डार्क सर्कल्स में बहुत आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। हाय शुभा जी, भार्विक भार्गवी जी बोल रहे हैं कैन यू टेल मी हाउ टू कंट्रोल डायबिटीज़, हाउ टू ऑल्टर रेगुलर डाइट्स विद मिलेट्स। भार्गवी जी, ऐसा कुछ नहीं है कि मिलेट्स लेने से आपका डायबिटीज़ लेवल कंट्रोल में आ जाएगा और नॉर्मल आप खाना खा रहे हो तो उससे नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे बहुत सारे डायबिटीज़ वाले क्लाइंट्स होते हैं, और मैं नॉर्मल उनको वाइट राइस देती हूँ, नॉर्मल उनको रोटी देती हूँ, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है आपको। सॉरी बेबी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता आपको कि आप वो सब चीज़ें खाएं। बाकी आप मिलेट्स इंक्लूड करना चाहते हैं, बिल्कुल करिए, बट जस्ट इंश्योर कई बार ये बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट भी प्रोड्यूस करते हैं। तो आप मिलेट्स बहुत ज़्यादा तभी लें जब आपको लगता है कि आपको सूट करते हैं, राइट? कई बार उसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है। बाकी नॉर्मल व्हीट, नॉर्मल वाइट राइस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कॉम्बिनेशंस का ध्यान रखना होता है, टाइमिंग्स का ध्यान रखना होता है, पोर्शंस का ध्यान रखना होता है, और आप बिल्कुल इंजॉय कर सकते हो नॉर्मल खाना डायबिटीज़ में भी। यू हैव टू अंडरस्टैंड, नॉर्मल खाना, नॉर्मल डाइट लेने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, दोज थिंग्स आर सस्टेनेबल।
इजी ऑन द पॉकेट एंड इजीली एक्सेसिबल ऑल्सो। तो वो चीज़ें आप लाइफ लॉन्ग कर सकते हो। जितना आप डिफिकल्ट चीज़ों की तरफ जाते हो वो चीज़ें आप सस्टेन नहीं कर पाते हो। बहुत सारे मेरे डायबिटीज़ वाले क्लाइंट्स हैं, ब्लड शुगर लेवल्स अंडर कंट्रोल आ जाते हैं, इंसुलिन के डोजेस अंडर कंट्रोल आ जाते हैं, कम होने लग जाते हैं विद नॉर्मल घर का खाना ओनली। टेल समथिंग फॉर आई बैग्स और पफी आईज। अभी मुक्ता जी मैंने बताया था, प्लीज़ आप लाइव दोबारा देख लीजिए, मैंने अभी इसी के बारे में बात करी थी डिटेल में। डिनर का सही टाइम क्या है, देवस मेहता जी बोल रहे हैं आप 8-8:30 तक डिनर कर लो, ये राइट टाइम होता है। पर उसके साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप टाइम पर सो भी जाओ, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। कोई थाई और आर्म्स के बारे में अभी पूछ रहा था, आप डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज रूटीन का ध्यान रखें, डेफिनेटली आपका फैट लॉस थ्रू आउट द बॉडी होता है, स्पॉट रिडक्शन इज नॉट पॉसिबल। इसी के साथ वन मोर रिमाइंडर, प्लीज़ लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए डिफरेंट ग्रुप्स में, कुकिंग के ग्रुप्स होते हैं उसमें, हेल्थ रिलेटेड ग्रुप्स हैं उसमें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में, अपने प्रोफाइल पे, हर जगह आप शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए एंड स्प्रेड द वर्ड। सॉरी गावस्कर जी बोल रहे हैं, मैम मेरा वेट लूज नहीं हो रहा तो क्या करना चाहिए? आप मेरा डाइट प्लान ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर पिंड है 8800772120 और डेफिनेटली वेट रिड्यूस हो जाएगा। पीसीओडी की प्रॉब्लम है, मुझे क्या करना चाहिए? आकांक्षा जी आप अपने नंबर पिंड है मेरा, रिपोर्ट शेयर कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग मैं आपके साथ पर्सनलाइज डाइट प्लान शेयर करूंगी और उसके अकॉर्डिंग आपका पीसीओडी भी अंडर कंट्रोल में आ जाएगा, और अगर आप ओवर वेट हैं तो वो भी आपका वेट भी अंडर कंट्रोल आ जाएगा। प्राची जी बोल रहे हैं प्लीज़ बताएं वेट कैसे बढ़ाएं। प्राची जी कंसल्ट कर सकते हो आप, सबसे पहले रीज़न समझना ज़रूरी होता है कि आप अंडर वेट क्यों हैं, राइट? उसके अकॉर्डिंग आपको डाइट प्लान सजेस्ट की जा सकती है और आप गेन भी कर सकते हैं। मुक्ता जी बोल रही हैं और ऑसम मैम, थैंक यू सो मच डियर। और आपके कुछ क्वेरीज हैं, आई एम हियर फॉर अनदर 5-10 मिनट्स, देन आई रैप अप दिस सेशन। प्लीज़ आप अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहिए एंड प्लीज़ कीप मी इन योर प्रेयर्स, कीप मी इन योर लव, आई नीड दैट। हाय रेखा जी, आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हाय दीपा जी, हाउ आर यू? थायराइड के लिए डाइट प्लान बताएं ना मैम, प्राची जी बोले। थायराइड के ऊपर अगर डिटेल में लाइव चाहते हो कि मैं डिटेल में लाइव बनाऊं तो प्लीज़ मुझे यहाँ पर बताइए अभी, तो मैं आपके साथ थायराइड के ऊपर लाइव बनाना चाहूँगी नेक्स्ट, मुझे यहाँ पर ज़रूर बताइए। नेहा जी बोल रहे हैं गेट वेल सून मैम, थैंक यू सो मच नेहा जी। इवनिंग स्नैक्स में तोफू ले सकते हैं क्या मनप्रीत जी? नॉर्मल आप पनीर खा सकते हो, मैं तोफू और ये सब बहुत ही एग्जॉटिक चीज़ें जैसे मैंने हमेशा बोला वो रेकमेंड नहीं करती हूँ, तो नॉर्मल आप पनीर भी खा सकते हो। टुडे यू आर नॉट फीलिंग वेट, गेट वेल सून, आई हैव अ डाउट, माई डॉटर 8 ईयर्स हैज स्टार्टेड प्यूकिंग अर्ली मॉर्निंग, वट इज़ द रीज़न एंड वे आउट फॉर द सेम? प्लीज़ आप उनके पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट करिए, सिम्टम्स के बेस पे मैं गाइड नहीं कर पाऊंगी बींग अ डाइटिशियन, आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, उनको कोई ब्लड टेस्ट की नीड होगी तो वो बताएंगे। एंड या थैंक यू सो मच। हेलो पिंकी जी, हाउ टू टाइटन द स्किन? उसके लिए स्किन टाइट करना चाहते हो तो उसके लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डाइट इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू दैट टोन्ड बॉडी, राइट? उसके लिए साथ साथ एक्सरसाइज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप करिए और ऑटोमेटिकली आप देखोगे एक्सरसाइज और डाइट का ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन होता है। अगर आपकी सैगिंग हो रही है तो डेफिनेटली आपको वो स्किन टाइटनिंग वो ही देगा। आजकल बहुत सारे सेंटर्स होते हैं, स्लिमिंग सेंटर्स होते हैं, महंगे महंगे आप पैकेज लेते हो, उसकी कोई नीड नहीं है, नॉर्मल एक्सरसाइज करिए आप और स्किन टाइटनिंग अपने आप हो जाएगी। मेरे पास जो मदर्स आती है पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस के लिए, हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज का आप कॉम्बिनेशन कर रहे हो तो कोई सैगिंग नहीं होती, आपकी स्किन लटक नहीं हो रही होती है, टाइटनिंग अपने आप हो जाती है। ममता जी पूछ रही हैं हाउ वी रिड्यूस बेली फैट? बेली फैट रिड्यूस करने के लिए अगेन एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कीगल्स कर सकते हो, गूगल कर सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा क्या मैं बात कर रही हूँ। आप पिलाटे कर सकते हो, स्क्वाट्स कर सकते हो, नॉर्मल डांस भी कर रहे हो, बट इंपॉर्टेंट इज यू हैव टू मूव योर बॉडी। यहाँ पे आपके मसल्स जो हैं टमी के वो स्ट्रेच होने चाहिए, ऑटोमेटिकली आपको फ्लैट बेली मिल जाएगा। एसिडिटी की प्रॉब्लम में एम्प्टी स्टमक फ्रूट खा सकते हैं, मनप्रीत जी बोल रहे हैं। फ्रूट खा सकते हो बट जस्ट इंश्योर कि आप कोई एसिडिक बहुत ज़्यादा फ्रूट ना खाएं, आप कोई सिट्रिक फ्रूट ना खाएं कि ऑरेंज आप सुबह मॉर्निंग में ले रहे हो, राइट? बाकी आप फ्रूट से शुरुआत कर सकते हो, नट से शुरुआत कर सकते हो, ये सब एल्कलाइन रहता है, बट उसको आपको ओवरनाइट सोक जरूर करना है। चाहे आप आलमंड्स ले रहे हो टू लूज वेट, विच टाइप एक्सरसाइज वी कैन डू, शिवाली जी बोल रहे हैं।
एक्सरसाइज आप अगर बात करें डाइट के साथ साथ, जैसे मैंने बताया आप पिलाटे कर सकते हो, स्क्वाट्स कर सकते हो, हफ्ते में 2 बार HIIT विच इज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वो आप ज़रूर करिए, वो बहुत बेनिफिशियल रहता है। समवन वॉज आस्किंग कैन वी ईट स्वीट्स, मिस हो गया क्वेश्चन, हाउ मच यू चार्ज फॉर 3 मंथ्स। संद्रा जी बोल रहे हैं 5,000 चार्जेस रहते हैं मेरे 3 मंथ्स के, रोटी मॉर्निंग में एंड राइस नाइट में चलेगा? साक्षी जी पूछ रही, बिल्कुल चलेगा, पोर्शन कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खा रहे हो, और टाइमली खाना बहुत ज़रूरी है, ये नहीं कि हम रात को 11 बजे डिनर कर रहे हैं, टाइम पे कर रहे हो कोई इशू नहीं है। अल्पना जी बोल रहे हैं एक्सरसाइज के लिए बेस्ट टाइम मॉर्निंग है, बट क्या इवनिंग में भी करना सही है या नहीं? बिकॉज मुझे इवनिंग में टाइम मिल पाता है क्योंकि मॉर्निंग में वॉक करती हूँ। अल्पना जी दैट्स रियली गुड कि आप मॉर्निंग में वॉक करते हो, इवनिंग में एक्सरसाइज करते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन पॉइंट ये है कि एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, राइट? मॉर्निंग इवनिंग डजेंट मैटर एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग इट कंसिस्टेंटली। मॉर्निंग में आप वॉक कर रहे हैं, इवनिंग में आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, दैट्स एब्सोल्युटली परफेक्ट। PCOD एंड गैस प्रॉब्लम प्लीज टेल होममेड रेमेडीज, स्नेहा जी बोल रहे हैं। PCOD के ऊपर मैंने लाइव वीडियो बनाया हुआ है, गैस के ऊपर, ब्लोटिंग के ऊपर मैंने बहुत बार बात करी हुई है, प्लीज़ आपको जाकर वीडियोस देखिए, बहुत सारे मैंने होम रेमेडीज आप लोगों के साथ शेयर करे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प होगी, इसीलिए मैं लाइव में बात करती हूँ हर टॉपिक के ऊपर डिटेल में, ताकि जो अभी क्वेश्चन आंसर में हम एक टॉपिक के ऊपर स्ट्रेच में बात नहीं कर पाते हैं, तो वो ताकि लाइव वीडियो में उस टॉपिक के ऊपर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली, ताकि डिटेल में हम बात कर पाएं। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, अच्छी लग रही हैं तो आपके क्वेरीज आंसर हो रही हैं, तो प्लीज़ शेयर करते रहिए। प्लीज़ शेयर सम डिटॉक्स वाटर रेसिपी, मैम आकांक्षा जी बोल रही हैं। कल मैंने वाटरमेलन स्लश की रेसिपी शेयर करी थी, दैट इज़ अ डिटॉक्स ओनली, बहुत अच्छा डिटॉक्स है, प्लीज़ जाकर देखिए अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो। इस तरह की बहुत सारी मैं रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। बटर मिल्क की मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर करी थी, मिंट बटर मिल्क, वो भी बहुत अच्छा डिटॉक्स है, घर पे आप इजीली बना सकते हो, हार्डली 2 मिनट लगते हैं इन चीज़ों के लिए, लेकिन ये आप देखोगे कि आपको डिटॉक्सिफाई भी करते हैं, आपकी स्किन पर ग्लो भी आता है, आप एनर्जेटिक भी फील करते हो, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो ऑटोमेटिकली वो लगनी बंद हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली विन विन सिचुएशन है, प्लस आपका वेट लॉस भी होने लगता है इस तरह की आप हेल्दी ड्रिंक्स ले रहे हो तो। दोबारा से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपकी आवाज़ को क्या हुआ थी? डियर मुझे कोविड चल रहा है अभी, Day 7 है, इसीलिए थोड़ा सा थ्रोट इसी तरह से है अभी, स्टिल काफ़ी रिकवरी हो रही है बट आई थिंक इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। आपका डाइट प्लान कैसे मिलेगा अनुराधा जी? आप नीचे मेरा नंबर पिंड है, 8800772120, आप कंसल्ट कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगी कैसे आप ऑनलाइन एनरोल कर सकते हो मेरे डाइट प्लान के लिए। और एक वर्ड ऑफ कॉशन आप सभी के लिए गाइस, अभी हम बहुत ज़्यादा लिबरल अगर हो गए हैं, मास्क नहीं कर रहे हैं, लगा रहे हैं, सैनिटाइज नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ वो कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो करिए, बिकॉज हमें पता नहीं चल रहा है केसेस रिपोर्ट या तो नहीं हो रहे हैं, आई डोंट नो क्या हो रहा है, बट अभी सब कुछ बाहर सही है, सब कुछ है, बट कोविड फिर भी है, सो डोंट बी केयरलेस, बी कॉशियस, बी केयरफुल। यहाँ पे मैं डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बट अपना सेफ्टी मेजर्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो प्लीज़ वो करते रहिए, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, आई वुड वॉन्ट आप लोग सेफ रहें, आप लोग हेल्दी रहें, ये मेरी गुड विशेज़ है आप लोगों के साथ, बट आपके हाथ में जो है वो है सेफ्टी मेजर्स लेना, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो करना, अपना ध्यान रखना, अगर नहीं हो रहा, इम्पॉर्टेंट नहीं है तो ज़्यादा आउटडोर्स ना निकलें, अपना ध्यान रखें, अपनी सेफ्टी में ही सभी की सेफ्टी है, वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, वी हैव टू बी अवेयर। सो यही मेरा मैसेज एक छोटा सा था रिलेटेड टू कोविड, बिकॉज आई एम फेसिंग इट राइट नाउ, एंड ट्रस्ट मी, अभी सब बोल रहे हैं कि बहुत माइल्ड है, बहुत माइल्ड है, बट ट्रस्ट मी इट इट इज़ डिफिकल्ट, एवरी डे द पर्सन वेन यू आर फेसिंग दैट इशू इट इज़ डिफिकल्ट, सो डोंट टेक इट टू लाइटली, और ज़्यादा कंप्लेसेंट नहीं होना, डरना भी नहीं होना, वी डोंट हैव टू पैनिक, वी डोंट हैव टू क्रिएट फियर, बट बी सेफ। नंबर मेरा कोई पूछ रहा है 8800772120, मेरे नंबर यहाँ पे मैंने पिन भी किया हुआ है। शिल्पा जी पूछ रहे हैं रिप्लाई माई क्वेश्चन, शिल्पा जी प्लीज़ आप अपना क्वेश्चन दोबारा पूछ लीजिए, जो अगर आपका क्वेश्चन मिस हो गया है गाइज प्लीज़ दोबारा से आप पूछ सकते हैं, मिस हो जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम पर, मैं दोबारा से आंसर कर दूंगी। कैन वी हैव चीट मील्स ऑन संडे, साक्षी जी बोल रही हैं। साक्षी जी मेरे डाइट प्लान में इतनी वैरायटी होती है कि मेरे क्लाइंट्स का ये फीडबैक होता है कि उनको जंक फूड की क्रेविंग्स नहीं होती हैं, सो मेरा ये मानना है डाइट प्लान क्यों ना हम ऐसा बना लें जिसमें हम हेल्दी तो खा रहे हैं लेकिन वो बोरिंग ना हो, मोनोटोनस ना हो,
न्यूट्रिशियस डिफरेंट वैरायटी वाला खाना हम खा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपको वो चीट मील की ना मन नहीं करेगा, क्रेविंग नहीं होगी। इंटरमिटेंट फास्टिंग में शुगर खा सकते हैं क्या? ईटिंग विंडो में, ईटिंग विंडो में जितना आप अवॉइड करेंगे उतना बेटर है, बिकॉज अगेन वो इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, आपको ब्लोटिंग कॉज करेगा। तो जो आपकी फास्टिंग विंडो है उसमें आप फास्ट कर रहे हो, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये ईटिंग विंडो में आप क्या फूड्स चूज़ कर रहे हो। तो जितना मीठा कम अवॉइड करें, खा भी रहे हो हेल्दी फ्रूट्स खा रहे हो, आप डेट्स खा रहे हो हेल्दी फॉर्म में खा रहे हो, दैट्स ऑलवेज एडवाइजेबल। बाकी एम्प्टी कैलोरीज अवॉइड करें। शिवाली जी पोस्ट में, पोस्ट प्रेगनेंसी वेट रिड्यूस में आपने कोई लाइव वीडियो बनाए हैं? शिवाली जी बिल्कुल बनाए हैं, आप देख सकते हो, रिसेंटली भी बनाए हैं। उसमें हम बात करें कौन से फूड्स भी इंक्लूड करने चाहिए, बेली फैट कैसे रिड्यूस कर सकते हैं पोस्ट प्रेगनेंसी, इस तरह के मैंने लाइव वीडियोस बनाए हुए हैं, इसी साल बनाए हैं, आप देख सकते हैं। सीमा जी बोल रहे हैं वॉक करने से वेट लॉस होता है क्या? सीमा जी सिर्फ वॉक करने से नहीं होता, साथ साथ आपको एक अच्छा डाइट रूटीन फॉलो करना, जैसे आप डाइट प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, उससे वेट लॉस होता है। वॉक बहुत लोग करते हैं बट अगर आपका खाना पीना ठीक नहीं है तो आप 1 किलो भी रिड्यूस नहीं कर पाते हो। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डाइट प्लस एक्सरसाइज, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 80% आपका डाइट रूटीन मैटर करता है। और आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, लास्ट 2-3 मिनट्स देन आई लैप दिस सेशन। सपना जी बोल रहे हैं थैंक्स मैम रिप्लाई के लिए, मोस्ट वेलकम डियर। इस लाइफ के बाद भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर आपका क्वेश्चन मिस हो गया है आई विल बी हैप्पी टू आंसर। मैं यहाँ पे कमेंट्स बॉक्स में रिप्लाई कर दूंगी। डायरेक्टली कनेक्ट करना है, यू सो ब्यूटीफुल एंड प्रिटी, थैंक यू सो मच डियर। तो नंबर मेरा पिन है 8800772120। कंसल्टेशन के लिए आप कनेक्ट कर सकते हो इफ़ यू वांट डाइट प्लान, या आप कुछ कंसल्टेशन लेना चाहते हो, बात करना चाहते हो, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। और कुछ आपके क्वेश्चंस फाइनल, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। हर्बल लाइफ प्रोडक्ट्स का रिव्यू दीजिए, अदिति जी बोल रहे हैं। अभी मैंने बात करी थी डियर थोड़ी देर पहले, हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट्स कम्प्लीटली अवॉइड करिए, जितना हो सकता है नेचुरल खाने में बिलीव करिए, उसके थ्रू वेट लॉस होगा, वो सस्टेनेबल होगा, रिलायबल होगा और विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स होगा। ये सब आप प्रोडक्ट्स लेते हो वेट लॉस हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप छोड़ोगे वापस से वेट आपका गेन होना शुरू हो जाएगा। इस गोंद का तीरा गुड फॉर हेल्थ बिल्कुल लीजिए आप, समर्स का टाइम है अभी, इसके ऊपर भी मैं रेसिपी ज़रूर बनाऊंगी कोई। गोंद का तीरा बहुत इजीली अवेलेबल होता है, बहुत ठंडक देता है, खासकर जिन लोगों को बहुत ज़्यादा अगर एसिडिटी का प्रॉब्लम हो रहा है, डेफिनेटली आप गोंद का तीरा ज़रूर दिन में आप एक बार ज़रूर लीजिए। मैम कितना भी एक्सरसाइज कर लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थायराइड बढ़ जाता है ऐसी प्रीति जी, उसके लिए डाइट उसके अकॉर्डिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मुझसे डाइट प्लान लीजिए, डेफिनेटली वेट लॉस भी हो जाएगा और थायराइड भी अंडर कंट्रोल आ जाएगा। मेरा 6 ट्रक हो गया है पर कपड़े लूज हो गए हैं पर वेट लॉस नहीं हो रहा। सीमा जी आपका मसल मास आप गेन कर रहे होगे, मेन तो आपका ये है कि आप साइज में आप श्रिंक होने चाहिए, राइट? आपका जो कपड़े हैं वो लूज हो रहे हैं, आप पुराने कपड़ों में फिट हो पा रहे हो, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वेट इज जस्ट अ नंबर, डोंट फॉल प्रे टू ऑल दीज थिंग्स कि आप वेट के पीछे भाग रहे हो, आपको ये देखना है आप फिट दिख रहे हो। अदिति जी बोल रही हो ब्लेसिंग फॉर ऑल ऑफ अस, थैंक यू सो मच डियर, आई फील ब्लेस्ड इन बीइंग कि मेरी इतनी अच्छी इंस्टाग्राम फेसबुक फैमिली है, मेरे इतने अच्छे क्लाइंट्स हैं, यू आर द बेस्ट। नेहा जी बोल रहे हैं थैंक यू सो मच, आज ये व्हाट्सएप पर भी करी थी मैंने आपका, नेहा जी स्क्रीनशॉट भी डाला था। इतनी आप गुड विशेज देते हो, इतना प्यार देते हो, वॉट एज डू आई वॉन्ट, इतना पैम्पर करते हो, तो ऑटोमेटिकली अपने आप से ही मन करता है, अपने आप से ही वो खुद से लगता है कि येस आई कैन डू इट एंड आई कैन पुल माई सेल्फ अप, कि हाँ येस एक नॉच और आगे जाऊँ, लगता है कि आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा करूँ। डबल चिन कम नहीं हो रही, साक्षी जी बोल रही है, इवन आफ्टर डूइंग लॉट ऑफ फेस योगा। सी उसके लिए ओवरऑल जब फैट लॉस होता है ना डियर, डबल चिन अपने आप हो जाएगी, सिर्फ फेस योगा हेल्प नहीं करेगा। साथ साथ में आप एक अच्छी डाइट रूटीन का फॉलो करना ज़रूर ध्यान में रखें, क्योंकि ओवरऑल जब फैट लॉस होगा तो आपका फेस का फैट भी कम होने लगेगा। सो विद दिस आई रैप टुडे सेशन, थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग इन। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करते रहिए, आपके जो भी क्वेरीज है यहाँ कॉमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछिए, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग माई लाइफ, सी यू सून रियली फास्ट नेक्स्ट वीक, आई होप आई हैव अ स्पीडी रिकवरी और अच्छे गले के साथ मैं आपसे बात कर सकूँ। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग।